हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का सब क्वेश्चन नंबर 3, मतलब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं हम। ठीक है, सो इसमें एक मिनट मैं खाली अपना पॉइंटर चेंज कर दूँ। ये ओके। सो फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सो दो नंबर हमें चाहिए जिनका सम हो 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सो चलो मैं दिखाता हूँ किस तरह से करना है। सो लेट लेट द ग्रेटर नंबर बी लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। स्मॉलर नंबर बी वाई, ठीक है। अब देयरफॉर एज पर फर्स्ट कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन सम, उनका जो सम है वो है 27। सो देयरफॉर आप एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई कैसे लिख सकते हो? ऐसा दिस इज इक्वेशन नंबर वन, समझ में आ रहा है। उसके बाद एज पर सेकेंड कंडीशन, प्रोडक्ट इज 182। सो मतलब एक्स इंटू वाई इज 182, समझ में आ रहा है। लेकिन अब क्या करोगे, एक्स यहाँ पे डाल दोगे इन टर्म्स ऑफ वाई, ये और ठीक है। तो एक्स की जगह पे आपने क्या डाला? सो दिस इज 27 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 182। अब ब्रैकेट ओपन करो, 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, इजी आ रहा है समझ में। सो देयरफॉर वाई स्क्वायर राइट साइड में ले लो, बेसिकली सब राइट साइड में हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182। सो देयरफॉर बेसिकली आपका इक्वेशन क्या बन गया, वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ये जब इक्वेशन मिल गया तो आपको फैक्टर निकालना 182 का। सच दैट ऐड करने में 27 आना चाहिए। तो जब 2 9 18, उसके बाद 2 × 13 × 13 कितना हो जाएगा? 7 सा 14 × 13, बेसिकली 14 और 13 को ऐड करोगे, मतलब ऐसा करोगे तो आपको -27 आएगा। इजी। सो देयरफॉर वाई स्क्वायर -27 को कैसे लिख सकते हैं? -14 वाई -13 वाई +182 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर वाई इंटू वाई -14 -13 × y -14। आपको समझ में आया? देखो माइनस बाहर आया तो बेसिकली ये ब्रैकेट ये चेंज हो गया साइन अपना, ठीक है। ब्रैकेट में आते देयरफॉर y -14 आएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे में y -13, दिस इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर y -14 इक्वल टू 0 और y -13 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 14 और y इक्वल टू 13, ठीक है। y इक्वल टू 14 और y इक्वल टू 13, तो ये आपका क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया। सो अगर y इज इक्वल टू 14 है, सो देयरफॉर x विल बी व्हाट? x विल बी 27 माइनस 14 व्हिच इज इक्वल टू 13। एंड इफ y इज इक्वल टू 13 देन x विल बी ऑब्वियसली 14, क्योंकि देखो ना ऐड करने पे 17 आना चाहिए। सो आप क्या लिख सकते हो? टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, या कंसेक्यूटिव नहीं सॉरी, टू नंबर्स हैं, देयरफॉर टू नंबर्स आर 13 एंड 14, इनका ऐड करने पे 27 आ रहा, प्रोडक्ट इसका 182 आ रहा। ठीक है, समझ में आया? इजी। चल मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे फोर्थ सम। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज शेयर दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो सो दैट यू कैन गिव मी अ रीजन फॉर बीइंग मोटिवेटेड एंड विथ एंड पुटिंग सच मोर वीडियोज। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।